ट्रेन खड़ी है, अभी 11 बजे की टाइम है। बहुत ज़्यादा रश है, ये देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट वाली जगह है। यहाँ पर थोड़ी जगह रहती है, लेकिन यहाँ पर भी लोग अपना सामान वगैरह रख कर बैठे हैं। ये सब वेटिंग वाले और विदाउट टिकट वाले हैं। और ये रात का सीन है, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। लोग ज़मीन पर, नीचे रास्ते वाली जगह पर सोए हुए हैं सब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे और आज का मेरा टिकट है। आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव, अपने घर। और ये मेरे पीछे ट्रेन खड़ी है, यही ट्रेन से जाना है। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और 10:55 की मेरी ट्रेन है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ और इस ब्लॉग में मैं सारी जर्नी दिखाऊंगा। 2 दिन की जो जर्नी है ट्रेन की, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी अपनी सीट देख रहा हूँ, वो मिल जाएगी तो सबसे पहले आराम से बैठूंगा, अपना सामान वगैरह रख के फ्री हो जाऊंगा। अभी तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोई रश नहीं है, लेकिन अगले स्टेशन पे सबसे ज़्यादा पैसेंजर बैठने वाले हैं। ये देख सकते हैं गाइस, सबसे ज़्यादा पैसेंजर यहीं पे बैठते हैं। यहाँ पे पूरी ट्रेन फुल हो जाएगी। ये लाइन से सब अपना सामान लेकर खड़े हैं। 5 मिनट के लिए रुकेगी यहाँ पर, हर स्टेशन पर लगभग 5-10 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसेंजर बैठते हैं। ये देखे सामान, बाल्टी, बोरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी इन लोगों को मिल जाए ये लाकर भैया ठूस देंगे ट्रेन में। अरे भैया घर भी उठा लाते आप। ये देख सकते हैं भीड़, इनका मतलब खुद चलने की जगह, बैठने की जगह, रहने की जगह नहीं रहेगी, लेकिन ट्रेन में इतना ज़्यादा सामान इन लोग खर्चा कर रख देंगे जिसका हद नहीं है। यार समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ खाने के लिए। देखते हैं कुछ मिलता है फल फ्रूट तो वही लूँगा। वैसे तो ये मसाले वाली चीज़ें खाने लायक रहती नहीं है, पता नहीं कैसा बनाते हैं। ये यहाँ पे आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा रहता है। और जैसे यहाँ पे देखिए आप किस तरह से सोए हैं, और जब ये बीच में रास्ते में सो जाएंगे तो फिर आप इनके ऊपर चढ़ जाइए या इनको हटाइए उठाइए, ये सुनने वाले नहीं है, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। और ये जो टॉयलेट वाली जगह होती है वहाँ पर गाइस आप तो टॉयलेट करने जा ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। उन लोग बंद करके उसमें भी बैठ जाएंगे। तो ये आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी अगर फैमिली के साथ आना चाहते हैं, लेडीज़ के साथ, तो वो प्लीज़ ये स्लीपर क्लास में कभी नहीं आइएगा। आप एसी में जाइए अगर फैमिली में लेडीज़ के साथ है तो, वरना आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, बहुत बुरा पछताएंगे जाएंगे तो, क्योंकि आप टॉयलेट तक जा ही नहीं पाओगे। अगर कभी आपको ज़रूरत हो गई जाने की तो आप अगर आना चाहते हैं स्लीपर से तो प्लीज़ नहीं जाइएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बुरी हालत रहती है स्लीपर में। फ़िलहाल इलाहाबाद में आ चुकी है गाड़ी और अभी भी 7 से 8 घंटे का सफ़र और भी बाकी है, अगर ट्रेन बीच में स्टॉप ना हुई तो, अदरवाइज़ उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। फाइनली यहाँ 2 दिन के बाद पूरा उतर चुके हैं, अभी यहाँ से ऑटो करके हम लोग जाएंगे। तो अभी आधे घंटे का रास्ता और बचा है।
सो हे गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। यहां तो मैं कल शाम में ही आ गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया था, जिसकी वजह से कल मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज हो गई है सुबह और आज मैं ये एंडिंग इस ब्लॉग का कर रहा हूं। और मैं बता दूं गाइस, मेरे आने पे अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड था तो वो ये है। ये कल से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कल रात भर सोया नहीं थी, ये सिर्फ इधर उधर कूद रहा था, खेल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में।